वैसे सीरियसली दिल मुझे ना बहुत भूख लग रही है, हम किसी फूड कोर्ट चलते हैं और दिल भर के खाना खाते हैं। तो भाभी फूड कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है, किसी 5 स्टार होटल चलते हैं और आज आपकी नंद आपको एक अच्छा सा लंच कराएगी। लो इतना पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा देखें पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि अपने ऊपर पैसे लगाना पैसे बर्बाद करना नहीं होता, ठीक है। और वैसे भी अगर हैदर को ये पता चला कि मैंने आपको फूड कोर्ट में खाना खिलाया तो बहुत नाराज़ हो गए मुझसे, तो इसलिए अब कोई सुनवाई नहीं होगी। भाई आप उसी होटल ले जाइए जहाँ पे हमारा फेवरेट लंच होता है। खाना क्यों नहीं खा रही? तुम्हें देख के सैराब तो हो जाऊं। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका जो आँखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन ना सका। अकेले चलते चलते वो साए जैसे ढलते रहे क्यों जीऊं मैं जरा मुझे दे तू दिल में जगह मिले मुझको धूप में साया तेरा, तेरे बिन नहीं सुकून जिंदगी में कहीं भीगू जरा है दिल पंजर मेरा। दिलनशीन, दिलनशीन मेरी बात सुनो प्लीज, देखो यहाँ पे कोई सीन क्रिएट मत करना। दिलनशीन क्या करने वाली हो तुम? दिलनशीन जो कुछ भी करो होश में रह के करना प्लीज। क्या कर रही हो दिलनशीन? तुम क्या हैदर भाई के रूम में जाना चाहती हो? चलो आप मुझे ये बता सकते हैं कि मिस्टर हैदर सलमान यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, उनका रूम नंबर क्या है? यस श्योर, रूम नंबर 914, मिस्टर एंड मिसेस हैदर सलमान। जी आप कौन? मिसेस हैदर। थैंक यू सो मच। समझ नहीं लग मुझे आखिर क्यों लेकर जा रही हैं? बस करो दिलनशीन, जो देख लिया ना काफी। मर्द अगर बदलिहाज हो जाए तो बीवी को खातिर में नहीं लाता। मेरा दिल चाह रहा है कि अभी ऊपर जाऊं, उसको सामने अपने बुलाऊं और खरी खरी सुनाऊं। अच्छा बस अब इस बात को मजीद आगे मत बढ़ाओ, घर चलो।